यहाँ पे जो मैट लगे हुए हैं वो कैसे दिखते हैं? ये जो लगाई हमने, ये हीट करके लगाई है, देखो यहाँ पे अब इसका उठने का कोई चांस नहीं है, अब नहीं उठ सकती नहीं। अब अभी कितना समय लगेगा इस पर? अभी हमारा तो इसमें तो कम से कम ब्लैक टॉप तक अभी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। 15 सेकंड में इस टनल से सामने की ओर यहाँ तक आ सकते हो। हाईएस्ट ब्रिज के दूर के विजुअल्स जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा हाइट है इनकी, 80-90 मीटर तक इनके पेयर्स रहने वाले हैं जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों लेंस कंप्लीट हो चुकी हैं। सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे पैंथियाल टू मगरकोट का जो टनल रहने वाला है वो यहाँ पे है, और ठीक इस टनल के बिल्कुल सामने की ओर आप सबको NH44 का हाईएस्ट ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे रामबन बनिहाल स्ट्रैच मगरकोट में है। आज की वीडियो में आप सबको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि अभी इस ब्रिज को चालू होने में कितना समय लगेगा, और साथ ही इसका जो वर्क है कितना कंप्लीट हो चुका है और बाकी कितना सारा पेंडिंग है, तो वीडियो के साथ बने रहें। सारी के सारी व्हीकल्स इस टनल से ओके, और यहाँ पे और यहाँ से इस और आगे व्हीकल्स से आ रही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन आने वाले समय ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप सिर्फ 15 सेकेंड में इस टनल से सामने की ओर यहाँ तक आ सकते हो जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। तो गाइस अभी मैं हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे रामबन बनिहाल स्ट्रैच के बीच जो NH44 का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनने जा रहा है, आप मेरे बैक साइड देख पा रहे होंगे। आज की वीडियो में आप सबको अपडेट करने वाला हूँ कि ये जो NH44 का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है उसका वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, बाकी कितना सारा पेंडिंग है और इस पे कितना ज़्यादा समय लग सकता है। लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि जो NH44 का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है दोनों लेंस कंप्लीट हो चुकी हैं, साथ ही इसका क्रैश बैरियर्स का वर्क था वह इनकम्प्लीट था, और आज के वीडियो में आप सबको देखने को मिल रहे होंगे कि जो क्रैश बैरियर्स है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो जल्दी से जाओ एक सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑलवेज सेट कर दो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आप सबको मेरे चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो गाइज बाकी के विजुअल्स मैं बैक कैमरे से बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहें। मेरे सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे हाईएस्ट ब्रिज जो कि एक ये वाली लेन और दूसरी ये वाली लेन दोनों लेन्स कंप्लीट हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं पंठियाल टू मगरकोट का जो टनल यहां पे रहने वाला है, यहां से सारी की सारी व्हीकल्स टर्न करके दूसरी ओर जा रही हैं, लेकिन अभी भी यहां पे जो वर्क है वो सब पूरी तरह से डन नहीं हुआ है, यहां पे जो ब्रिज है इनकम्प्लीट है। और साथ ही अगर बात करूं इस ब्रिज की, ये देख पा रहे होंगे ये ब्रिज सबसे पहले कंप्लीट होने वाला है और सबसे पहले व्हीकल्स इस ब्रिज पे चलने वाली हैं जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये चेक करो, अभी मैं हूं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, ये जो आप मेरे सामने का एरिया देख पा रहे होंगे ये पहले का जो रामबन का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड एरिया पंठियाल में माना जाता है। यहाँ पे आगे स्टील टनल्स बनाए गए थे, और स्टील टनल्स इसलिए बनाए गए थे आप सबको पता होगा कि इस रूट पे आगे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता था, शूटिंग स्टोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स डैमेज होती थी, एक्सीडेंट का संभावना होती थी, उसी के चलते यहाँ पे ये चेक करो पैंथियाल टू मगरकोट का टनल ओपन हुआ, और टनल ओपन होने के बाद जो व्हीकल्स हैं सारी की सारी व्हीकल्स टर्न करके पीछे की ओर जा रही हैं। इसके मुकाबले ये वाला ब्रिज थोड़ा लंबा रहने वाला है, और सबसे पहले यही ब्रिज कंप्लीट होने वाला है जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। आने वाले समय में सारी की सारी व्हीकल्स आगे की ओर जाने वाली हैं। आप सबको बता दूं कि ब्रिज के बिल्कुल सामने की ओर टनल है, और अगर मैं बात करूं इस ओर के, ये यहाँ पे अभी कोई भी टनल नहीं है। इस रूट पर आगे काफ़ी ज़्यादा स्लाइड होता था, उसी के चलते ये वाला टनल बनाया गया। और अभी आप सबको बता दूँ कि यहाँ पे आगे यानी कि ये जो ब्रिज रहने वाला है इसके आगे भी एक टनल बनने वाला है, जो कि अभी भी इस टनल का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में आप सबको इस रूट पे भी एक टनल देखने को मिलेगा, और जो पहले वाला टनल है वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, क्रैश बैरियर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे वाटरप्रूफ मैट होता है उस मैट का भी वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। ये मैट इसलिए बिछाया जाता है किसी भी फ्लाईओवर पे ब्रिज पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो
पानी है, बारिश का पानी हो या फिर किसी भी तरह का पानी हो, ब्रिज के अंदर ना जाए, जिसकी वजह से ब्रिज के नीचे जो भी लोहे के चाहे वो गड्स हो या सरिया वगैरह उसको रस्ट ना लगे, इसे ये वाटरप्रूफ मैट बिछाया जाता है। रामबन फ्लाईओवर के बीच भी सेम इसी तरह के मैट बिछाए गए थे और उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इन मैट का रोल क्या रहने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में बढ़ते आगे और बताते हैं आप सबको कि ये जो वर्क है कितना कम्प्लीट हो चुका है और साथ ही इस पर और कितना समय लग सकता है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ NH-44 का जो हाईएस्ट ब्रिज रहने वाला है उस पे, और साथ ही जो कंपनी के फोरमैन हैं उनसे बातचीत करेंगे कि अभी इस हाईएस्ट ब्रिज पे कितना समय लगेगा और साथ ही ये जो वर्क चलते जा रहा है मास्टिक शीट और उसका क्या रोल रहने वाला है। तो अभी कितना समय लगेगा इस पे? अभी हमारा तो इसमें तो कम से कम ब्लैक टॉप तक अभी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। अभी एक हमारा यहाँ पर जो अप्रोच स्लैब है इसमें वो बचा है जी। जैसे ये एबटमेंट है इसके सामने अप्रोच स्लैब इसके ऊपर आएगा, उससे पहले एक हमारे इसकी एक्सपेंशन जॉइंट है जी जी, वो कास्टिंग करनी है। तो हम साफ़ सफाई करके कंप्रेसर से हवा मार के बिल्कुल क्लीन करके उसके बाद इसको हम वॉश करेंगे। यहाँ पे जो शीट वगैरह बिछाई, ये कौन सी शीट है? ये मास्टिक शीट है, हमने 3 स्पेन तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए शीट। अच्छा सर, तो उसके आगे एक स्पेन हमारा और बचा है, ये 3 नंबर ब्रिज का लास्ट वाला जो लास्ट स्पेन बचा है, यहाँ पे जो मास्टिक शीट बिछानी है। तो सर इसका रोल क्या रहता है, ये कौन सी शीट रहती है और इसका रोल क्या रहता है? इसका रोल ये तो वाटरप्रूफ होती है, इसलिए तो ऊपर से ब्लैक टॉप पड़ जाती है, तो इसको अंदर जो कोई पानी शानी कुछ भी है तो इससे जिससे जंग वगैरह जंग और ब्लैक टॉप कम उखड़ती है। क्लीन करके उसके बाद मास्टिक शीट लगती है ना जी। इसको जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे अभी डस्ट डस्ट है जी, और इस डस्ट को क्लियर करने के बाद फिर इस पर मास्टिक शीट लगाई जाती है। प्राइमर डाल के 2.5 घंटे तक रेस्ट दे के उसके बाद शीट हम चालू करते हैं और हीट दे के उसको चालू करते हैं, पूरी हीट लगा के फिर चिपकती है शीट, उसके बाद हम इसको चालू करते हैं। 10 मीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर ऐसे वेथ है इसकी, बाकी 5 mm थिकनेस है। अच्छा 5 मीटर। हाँ, तो जब हम इसको डालते हैं तो इसको पूरा हीट करते हैं, हीट करने के बाद LPG से हीट करके, तो हीट करने के बाद से ये अच्छे से नीचे जो ब्रिज वगैरह है उस पर अच्छे से चिपकती है और उसके बाद इस पर ब्लैक टॉप बिछाई जी जी। यहाँ पे जो मैट लगे हुए हैं वो कैसे दिखते हैं? ये जो लगाई हमने ये हीट करके लगाई है, देखो यहाँ पे अब इसका उठने का कोई चांस नहीं है, अब नहीं उठ सकती। नहीं, अब नहीं उठ सकती, ये अच्छी तरह से अपनी लोकेशन पे फिक्स हो गई। हाँ बिल्कुल। तो अभी सर कितना टाइम लगेगा इसमें? अभी टाइम देखते हैं 10-15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, मुझे लग रहा है ब्लैक टॉप 10 से 15 दिन में हो जाएगी। हो जाएगी। तो सर आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले ये वाला ब्रिज कंप्लीट होना है जी, तो इसके आगे भी कोई टनल रहने वाला है? अभी उसका भी चल रहा है प्रोसेस, तो वो भी चालू हो जाएगा 10-15 दिन तक में तो चालू हो जाएगा। तो ये पहले वाला टनल रहने वाला है और इस टनल का नाम T5 यही रहने वाला है जी जी। और ये साथ में जो पीछे वाला ब्रिज है, इस ब्रिज की लेंथ कितनी है? इस ब्रिज की लेंथ 200 मीटर के आसपास है। 200 मीटर के आसपास जी। यहाँ से आगे ये जो फ्लाईओवर बनने वाला है इसकी लेंथ कितनी रहेगी, कहाँ तक जाएगा लास्ट? एक कम से कम 1 किलोमीटर तक है आगे, रामसू जो थाना है वहाँ पे। तो गाइस ये थी कुछ यहाँ की अपडेट जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर करी। तो आप सबको बता दूँ कि इस ब्रिज के कम्प्लीट होते ही आप सबको इससे आगे फ्लाईओवर देखने को मिलेगा। ये फ्लाईओवर काफ़ी लंबा रहने वाला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको कंप्लीट बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आप सबको बता दूं कि यहां पे आगे बैक कैमरे से बताने वाला हूं 2 से 3 किलोमीटर तक ये पेयर्स रहने वाला है, यानी कि 2 से 3 किलोमीटर तक यहां तक फ्लाईओवर बनने वाला है। और साथ ही अगर मैं बात करूं पुराना वाला नेशनल हाईवे जो अभी भी चल रहा है वो पीछे से रहने वाला है, आने वाले कुछ ही समय में आप सबको 4-way का जो न्यू ब्रिज के साथ में बाहर का फ्लाईओवर रहेगा वो इस ओर से रहने वाला है। तो गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब कर देना, तो साथ में कमेंट करके ये बता दो कि अभी आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।